आ गया ट्रैक्टर वाला रास्ता भाई। देखना भाई कितने फास्ट बॉक्स पे बंदा है, टेप लगी, टेप कट, देखो ये, देखो भाई ये बाघ। हेलो बस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे भाई सुबह के 7:30 और हम है भाई अपना महाराष्ट्र साबदा में। यहाँ से केला आता है, सबसे ज़्यादा केला जम्मू कश्मीर के, यहाँ से आता है। मेरे अपनी गाड़ी पीछे अपना जानी, अपने जाने में जो केले के खाली बॉक्स होते हैं वो हो गए लोड। तो एक गाड़ी और अपने साथ 12 चक्का, वो भी शायद किसी और खेत पर जाएगी, पर वो जम्मू उधमपुर का लोड कर रहा है, हमारी जम्मू की लोड हो रही है। बलजीत भाई भी आ गए, उनकी गाड़ी वहाँ बाहर खड़ी, वो दूसरी ट्रांसपोर्ट से लोड हो रही है, पर वो भी जम्मू के लिए हो रही है। और उस पर ना खुला केला है, हमारी पे केला बॉक्स वाला है। मेरा अपना जानी बस, अब देखते थोड़ी देर तक निकलेंगे। देखो अंदर बॉक्स दिखाता हूँ ना, ये देखो ये बॉक्स मिले ना, बाकी भैया बना रहे हैं अंदर बॉक्स। बस अभी यहाँ से निकलने लगे, भैया आ गए अपने साथ। और भैया कैसे हो? बढ़िया। कितने यहाँ से अभी कितना में जाना पड़ेगा? 70-80 किलोमीटर। इतने दूर जाना है? इस तरफ वापस यहाँ पे आना है? बड़ा दूर हो गया ना। अभी बढ़ रहे भाई खेतों की तरफ ही। ये देखो कि बलजीत भाई की गाड़ी, ये भी इस तरफ जा रहे हैं। पता नहीं इनके ये बोलते मेरे को 50, पर मेरा 80 किलोमीटर है, इनका 50 रास्ते में होंगे मेरे को आके जाना लोड करने के लिए। सिंगल सिंगल सा रास्ता है गाँव गाँव में, क्योंकि खेत यहाँ पे खेत है, गाड़ी वहीं आती है भाई खेतों तक। तो कितनी प्यारी सी नदी आई है यार, नहाने का तो मन कर रहा है यहाँ पे। आपको व्यू ऊपर से भी दिखा होगा भाई, टूल से भी, क्योंकि वहाँ पे भी गोप्रो है, वहाँ पे लेबर वाले भाइयों के पास हमारा कैमरा है ना भाई। प्यारा व्यू, वहाँ पे लोग भी हैं, वो टापू है शायद। सिंगल रोड से हम आगे भाई 4 लाइन पे, ये है मुंबई नागपुर हाईवे। अभी एक टोल भी कटवाया, आप देखते हैं आगे कहाँ तक कितने दूर जाना है। ये पास में हो तो ठीक है, लोड के वापस चले जाएंगे, मतलब 80 किलोमीटर 80 से 160 किलोमीटर में एक्स्ट्रा पड़ा और भी आने का लोडिंग के लिए गाँव में। रोड तो काफ़ी मस्त है यार, यहाँ पे थोड़ा मंडी हो सकती है आराम से, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई खड्डा नहीं है, बिल्कुल गाड़ी स्मूथ चल रही है। अब आगे कुछ आया हम बता दो आपको। 4 लाइन अचानक से खत्म हो, और देखा हमें जलगांव में, हम कहीं जा रहे हैं गांव गांव में अंदर, वो रहा जलगांव एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के पास से हम निकले, अब तो रास्ता बिल्कुल सिंगल आ गया। बाइक आती है तो भाई ब्रेक मार के बाइक को जगह देनी पड़ती है। अभी पता नहीं कितना और यहाँ पर, तो बिल्कुल सूखा सूखा केले का कोई पता, कोई पेड़ दिखाई भी नहीं दे रहा। एक कांटा वहाँ से किया था, एक कांटा के यहाँ पे करना है। अब शायद इसके बाद की उम्मीद है हम पहुँच सकते हैं। 70-80 किलोमीटर भाई चल के आ गया, और ये 70-80 किलोमीटर है किसी के खाते में, ये ड्राइवर के खाते में, गाड़ी के खाते में, जो तेल खाई है हमारा खा रही है, इसका हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना पैसे ना कुछ भाई, ना 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चा, क्योंकि बचना से 8-10 हज़ार कम हो गया। बस ये चक्कर लगा के दोनों से दोनों चक्कर के हिसाब की वीडियो बनाई, कितने पैसे टोटल बचे हमको। अरे भाई इतना गुस्से से मत देख, लेबर सारी उधर की गाड़ी से, काफ़ी दूर चल के आना पड़ा यार। यहाँ पे तो कितनी मुर्गियाँ जैसे हमारे घर में है ना, देसी वाली, यहाँ पे भी हैं। अब ऐसे शायद 20 किलोमीटर और आगे जाना है, मतलब 80-160 किलोमीटर टोटल में एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा भाई आने का, कोई पैसा नहीं उसका। अभी तक भाई चलते जा रहे हैं, अभी तक मंजिल नहीं आई कहाँ जाना है, शायद आने वाली होगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है रास्ता ही खत्म हो जाएगा आगे जाके वाला। और इतने पेड़ ना ऊपर यार, इतने ज़्यादा पेड़, गाड़ी को इतना बचाना पड़ रहा है, आते हुए हाइट हो गई, पता नहीं कैसे निकले यार। रोड ख़त्म हो गई है भाई, बस चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। पैरों के निशान हैं थोड़े थोड़े, बीच में काफ़ी ख़राब सा रास्ता भी है, पहाड़ आगे छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर से। अभी ये आ गया ट्रैक्टर वाला रास्ता भाई, गाड़ी अभी भी नहीं दिख रही है हमें कहाँ से लोड करना, क्योंकि यहाँ बाजरा रुई वाला खेत दिख रहे हैं, केले का खेत दिख रहे हैं। यहाँ पे लोड करनी है, खेत में पहुँच चुके हैं, वो दूसरी गाड़ी आ चुकी है, यहाँ पे खाने का सामान, पीने का सामान, पानी सब कुछ ओके है। अब गाड़ी यहाँ पे रिवर्स करके आराम से बाकी सा लगा रहे बस पीछे यहाँ पे गाड़ी लगा रहे।
बस अब लोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट। ये डंडे लगा रहे हैं इसलिए कि ऊपर तरपाल डालेंगे, लेबर पूरा दिन काम करेगी तो गर्मी की, वैसे गर्मी यहाँ पे बहुत है। और यहाँ पे देखो केले का नया बाग, और यहाँ पे वायर लगाइए कि अंदर कोई जाए ना, शायद इस पर करंट भी होती होगी तो मैं तभी तो हाँ करंट होती ही है। अब बस वहाँ से तिरंगा खोल देंगे। देखो कितना फिक्स जगह है, देखो कितनी यहाँ पर पहुँची गाड़ी, उस साइड भी इतनी जगह है, फिर फिक्स जगह पर लाई गाड़ी हमने आज। केला हमेशा ऐसी जगह से लोड होता है। सामान वगैरह हो गया सारा सेट, पहले खाना खाएंगे क्योंकि घर से सुबह सब जल्दी आए थे, किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं की। या साथ में देखो पीने का पानी साथ में लाना पड़ता है, और से और जो केला धोना है उसका पानी भी साथ में लाना पड़ता है। देखो पूरी टैंकी भर के रखी है, वो पानी भी साथ में और पीने वाला पानी भी, और खाना तो भाइयों ने सब साथ में लाया। सब बैठ के वहाँ पे खाना खा रहे हैं और हमारा बन रहा है अभी खाना, गाड़ी में बन रहा है अभी, देखते हैं अपना खाने का क्या रहेगा। यहाँ पर तो सब भाइयों ने कुछ ना कुछ लाया, कह रहे खा लो, मैं बोला नहीं, क्योंकि हर बंदे ने अपने हिसाब से लाया होता है तो खिला तो देंगे भाई, पर अपना आधा पेट भूखा रखेंगे और इनको पूरा दिन काम करना है। और सबसे बेकार चीज़, आधी गाड़ी हमारी यहाँ से लोड होगी, फिर यहाँ से हमारी गाड़ी कम से कम 50 किलोमीटर दूर कांटे पे जाएगी, सिर्फ कांटा करवाने, वहाँ से वापस गाड़ी हमारी इधर आएगी इसी के आसपास दूसरे के खेत में, और कुल मिला के यार सिर्फ पैसा वेस्ट। हेलो, अपना खाना भी बन गया भाई, सब्जी तो थी रात की वही चिकन, और अभी बन गए चावल, सब खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खाएं। और यार कसम से दिमाग इतना ख़राब हो रहा है, जब दो जगह से गाड़ी लोड करनी पड़ेगी भाई, क्या ही बताएं, दो जगह से मतलब वो दिक्कत नहीं दो जगह से, पर यहाँ से वापस कांटे में जाना, वहाँ से वापस भाई चल के आना, यार पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, तेल वेस्ट। और यहाँ पे जिनका माल है किसान का, वो खुद आते ही नहीं है, और हमारे जो साथ में लेबर वाले भाई हैं उनको ऊपर चढ़ के तारें उठानी पड़ती हैं बिजली की। बन गया भाई अपना खाना, देखो ये चिकन और चावल हमने मिक्स किए पुलाव की तरह, सब खाना खाते हैं, फिर देखते हैं लोडिंग का क्या करेगा। आए पूरा दिन समझ ऐसे खजली है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, पहले खाना खा लेते हैं। देखना भाई कितने फास्ट बॉक्स पर बंद रहे, टेप लगी, टेप काट, देखो यहाँ पे केला आना स्टार्ट हो गया। अब जो वहाँ से कट के आ रहा है यहाँ पे, उसका वेट यहाँ पे एक एक गुच्छा काट हो रहा है केले का, और ये रख दिए ये डालने के लिए, जो इसका सामान बच रहा है वेस्ट वाला, मतलब मेहनत कितनी अंदर। तो बाकी फुल ब्लॉग आपको गौरव के चैनल में देखने को मिलेगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अब इसके बाद आता है ये वाला प्रोसेस, नेक्स्ट वहाँ से केला डाल रहे हैं, इसमें केमिकल डाला है जिस केमिकल से केला एक या दो या तीन दिन में पक जाएगा, मतलब जम्मू पॉइंट तक केला पका होगा, क्योंकि कच्चा केला वहाँ क्या करेंगे, वो पका केला होगा तो जाके बिकेगा। फिर वहाँ से साफ हो गया, फिर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले इस पर डाल रहे हैं पन्नी सी, फिर इसमें भी केला होगा पैक पूरा, कितने गुच्छे आते हैं, दो आ गए, 14 से 15 केजी का एक बनता है। यहाँ से उठा के बॉक्स को इधर रखना, इधर से फिर बॉक्स का वेट होगा, इसमें दो केले निकालेंगे, कितना वेट करते हैं 14.5, यहाँ से जा रहा है इसके ऊपर। यहाँ पे देखो स्कीम की है, यहाँ से केला अगर बॉक्स ऐसे फेंकेंगे हो गया, तीन एक दो तीसरी लाइन स्टार्ट हो गई है। ये माल है जो खेत हैं इनके, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, कितना मुश्किल काम है खेती भी करना, संभालना, और इनकी जॉब भी है, खुद डॉक्टर हैं भाई। अगर चाहें ना घर पे सैलरी अच्छी आ रही है, काम कर सकते हैं, घर में रेस्ट कर सकते हैं आराम से अपने काम पे, पर नहीं भाई, खेती का एक शौक है भाई, और खेती बाड़ी हमें करनी चाहिए, किसान है, क्योंकि सब ऐसा ही सोचेंगे जॉब करना स्टार्ट हो जाएंगे तो भाई फसल कहाँ से पैदा होगी। यहाँ पे वेट लिख रहे हैं, क्योंकि पूरी गाड़ी यहाँ से लोड होती है ना, फिर हम एक ही कांटे में वेट करते हैं, उनको एक ही साथ मिल जाता है कि कितना वेट हो गया। अब आधी गाड़ी यहाँ से लोड होगी, आधी कहीं और से होगी, जो इनका माल अगर उनका माल मिक्स हो जाएगा फिर फायदा क्या, तो इसलिए यहाँ पे अपना लिख रहे हैं। ये यहाँ अंदर से आ रहा है भाई, दिखाते हैं केला कटाई पे थोड़ी देर। जी जी दो दो लाए आपने, सभी दो दो नहीं, सभी नहीं ला रहे, बाकी एक एक ला रहे हैं, अच्छा रे मेहनत की। ओके ओके, भाई ने भी दो लाए थे। हाँ जी, पूरे साल की मेहनत है, एक बार काट के फिर ये पेड़ मतलब खत्म है, नया पेड़ तैयार होगा। ये कार्टून कितना इसका होता था, 20 केजी, 20 किलो से ऊपर होता होगा ये, 25 किलो के ऊपर, अच्छा 25 के ऊपर एक, ये सारे बड़े नहीं, यहाँ पके नहीं है ना, ये यहाँ से एक पेटी ले चलेंगे घर के लिए, अब रास्ते में पकाएंगे उनको, चलते हैं बाहर गाड़ी पे भैया। बतिस यहाँ से एक काम करेंगे ना, एक ले चलेंगे पेटी तो खरीद के ले चलेंगे, भाई को बोलेंगे एक दे दो जम्मू से ना, अगर रजेश को लेनी होगी भी दो ले चलेंगे, घर भेज देंगे यार, घर वाले थोड़ी उम्मीद रखते हैं कि बच्चे बाहर गए हैं, चलो यार मिलते वहाँ भी मिल सकते हैं, पर ना जो मज़ा देखो, शायद हमें ये वाला केला महंगा पड़े घर पहुँचते तक, गाड़ी का किराया या कुछ भी, पर उनको मज़ा फैमिली को इसी में, क्योंकि हमने चीज़ लेके भेजी है भाई घर वालों, आप चाहे आप घर वालों को कुछ दो ना दो, अगर प्यार से बात करो वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। आ गया बॉक्स, वो ऊपर आ गया, यहाँ पे आ कितने रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7
अच्छा ऐसे काम आते हैं, सेब की पेटी से ज्यादा आती है, सेब की सात आ रहे हैं ना, आ रही है भाई यहाँ से पेटियां, ये देखो यहाँ सीधा ऊपर, धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं, आधी होगी गाड़ी, हाँ इस पत्थर की आधी होगी। ये चल रही है केले की पूरी लोडिंग भाई, आधी गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है, हमें देखो पूरा इस पर पूरी फुल वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन है, तो मेरे चैनल में अपलोड है, जेके यारा वाले ब्लॉग्स में सर्च करके आप देख सकते हो, जब भी लिंक में टैप करके देख सकते हो, जाके जरूर देखना। वहाँ पर बताया मैंने कि केला तोड़ने से लेके काटने से पूरा प्रोसेस एक एक डिटेल में बताया, तो जिसको भी जानना है जाके वहाँ पर चले जाना। आ चुके हैं अभी हमें हमारे पास, अरे थंबनेल बना रहा हूँ, आइडिया बताओ ना थोड़ा सा, मेजर के लिखेंगे थंबनेल आ रहा है भाई, यहाँ पे जितना लोड होना था उतना हो गया लोड, अब और केले आने बंद हो गए, बस वहाँ से भी आ गया लास्ट यही बचा, यहाँ से बॉक्स होंगे फिर सामान सारा क्लोज होगा, देखो कितनी मेहनत, अब यहाँ से ये सारा सामान उस गाड़ी में लोड होगा, मतलब डबल मेहनत पड़ रही है लेबर को यार, तो एक जगह से होती है आपको भी, ये कार्टून तो इसी भी आ जाएंगे, आधा सामान इसमें भी आ जाएगा जो यहाँ पे आ जाएगा, जो पास पास जनरेटर भी इस पर रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी पीछे से गाड़ी खाली है, मतलब डबल मेहनत तो होगी नहीं, तो एक जगह से अब खाली करके टाइम से घर पहुंचाते, अभी भाइयों को पूरा काम दूसरे खेत पे जाना पड़ेगा, ये जो ख़राब केला निकला हो गया अपना सारा माल यहाँ से पैक डाल रहे हैं, फटे फूटे भी डबल मेहनत तो होगी आज सभी को, बस फटे डालते हैं फिर जाना, कितना किलोमीटर जाना भाई जी, 15 किलोमीटर उस पहाड़ी तो भरे कह रहे लेबर वाला, 15 ही जाना, यहाँ से निकलते हैं, ऊपर कौन होगा इतनी बुरी हाल जगह से गाड़ी आ रही है, और यहाँ खेत पे लाई गाड़ी वहां से घुमा के यहाँ से रिवर्स आ ही नहीं रही थी क्योंकि आगे वेट है, देखो पूरी मिट्टी टायरों ने निकाल दी है, प्लान आराम से नहीं आई, यहाँ तक यहाँ पे रुक गई, फिर उन्होंने बोला यहाँ ठीक है ये खेत, और दूसरी गाड़ी वो है जो सामान लेके आई, और यहाँ पे सामान अब डालना स्टार्ट कर दिया, ये पता नहीं किस चीज़ की खेती है, वही रुई की है कपास की, खाली खेत के बीच घुसाई गाड़ी, और ये भी छिले गया तरपानी, यहाँ पे भी टेप, इतनी ख़राब जगह थी, तरपाल खोल रहे हैं अब, अब अच्छे से डालेंगे यहाँ से पूरी जोड़ के तरपाल डाल के अच्छे से निकलेंगे, ढूंढ रहा केले, इतनी हाइट गाड़ी से डबल हाइट हो गई है, इसकी तो टेंट सा लगाया है, इतना प्यारा लग रहा है, अलग सा लग रहा है कुछ गाड़ी में, होगी छाया होगी, बैठेंगे छाया भी, अब बॉक्स बनने की स्पीड भाई, ये केले के बॉक्स हैं, ओ अभी तो आ गया था, अभी नया आया, फिर से रेडी, देन ओके, फिर एक और, एक दो तीन चार, सेकंड में एक बॉक्स, फिर से देखो आप भाई कितने जल्दी मतलब बॉक्स आ रहा है, ये देखते टेप काटना, टेप का मूल निकालना, आगे से जोड़ना, देखो यहाँ से टेप लगाई, यहाँ के यहाँ काट बाहर, यहाँ लगाई यहाँ काट यहाँ बाहर, फिर भी हो गया काम स्टार्ट, अब स्टार्ट क्या आधा से ज़्यादा हो ही गया, और पेटी लग गई ऊपर, इतनी हाइट 3-3 की बनेगी आई थिंक, सब हो रही गाड़ी लोड पूरी, यहाँ से तरपाल करके फाइनल निकलेगी, अब बस अब लास्ट वाली लाइन लग रही है, और थोड़ा पेटी ऊपर जाएंगे उसके लिए अलग से निकाल रहे हैं, इतनी हाइट है, हो गया भाई मैं लास्ट पेटी जा रही हूँ ऊपर, अब तरपाल होगा, खोलो खोलो भैया डालें तरपाल, ये रह गया बॉक्स, केले के गुच्छे यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ से पीछे बांध देंगे, होगी गाड़ी, अब ना ऊपर वो डाल रहे हैं शीट एंड पत्ते ताकि उस माल को हीट ना लगे, एक ही तरपाल डालेंगे कपड़े, अगर बारिश होगी रास्ते में तो फिर भाई वो डालने पड़ेंगे, बस भाई लास्ट में पेटियाँ लगा रहे हैं, आई थिंक कम हो गई शायद पीछे, वो इतनी हाइट तो पास होती है, इतनी कंटेनर देखो गाड़ी की हाइट होती है जैसे कंटेनर डब्बा है ना उसकी पास, पर पुलिस वाले फिर भी परेशान करते हैं, कंटेनर की हाइट बराबर खड़ा करोगे, इस हमारी गाड़ी का भी हाइट कम है,
हमारी बॉडियाँ छोटी होती हैं, कंटेनर कितना बड़ा होता है वो यहाँ तक होता है बाइक के कमर तक। डाल रहे पत्ते ये भैया, तिरपाल डाल देंगे वो, थोड़े पैसे लेंगे, चलो ले लेंगे, हम थके हैं क्योंकि हमें चलना भी है, हमसे बेल्टें निकालेंगे भैया, तो सी कटो बेल्टा, बेल्टा पा लेने हैं। डाल रहे पत्ते ऊपर, गाड़ी होगी भाई रेडी निकलने के लिए, बाकी सब चले गए, मैं और दो भाई और हैं, बाकी हम तीन हैं, पाँच बंदे टोटल। ऊपर वाले का नाम भाई, बैठते हैं गाड़ी में, ले भैया फोन, आओ जाओ आप आगे। गाड़ी अपनी आ रही है भाई, इतनी हाइट लग रही है ना, क्या मस्त लुक लग रही है यार। निकल आई वहाँ से गाड़ी, ओ भाई मेरी कमर तक हाइट है उसकी। केला लोड, फाइनली बनाना लोड। रास्ता ख़राब है, उस वजह से रजेश और गौरव आगे जा रहे हैं, और गौरव ब्लॉग भी शूट कर रहा है, रील्स भी बना रहा है, यहाँ पे मस्त रील्स बनती हैं। आगे केले टांगे, अभी पीछे भी टांगेंगे थोड़े, मेहनत कर रहा है बंदा ना, सोचता है हमारे बारे में कभी कभी। आज पहली बार से कहीं सा फ़ोन नहीं है, पता नहीं क्यों। गौरव देखो वहाँ पे रब के पास बैठा है वो टांगे के पास। 5 बजे हम यहाँ से निकले, तकरीबन 7 बजे हम पहुँचेंगे यहाँ से, हमारा टाइम स्टार्ट होगा मंडी का। आगे हाईवे में बाकी शार्ट के लिए एक सिंगल और रहना पड़ेगा, पर उस सिंगल में इतनी तारे नहीं है, यहाँ पे बड़ी वायर थी यार, ऊपर चढ़ के वायरें चार्ज करनी पड़ती थी, मैन वही मसल। अब यहाँ से खींच के रखेंगे गाड़ी सप्ताह तक, मतलब बिल्टी मिलती तो खींच के रखेंगे। आज बिल कब गिर गया यार कहीं से पता नहीं। देखो भाई कहाँ गोबर आगे बात। तो भाई आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में यार, मतलब अच्छा इधर हमारा बिल कब गिर गया, हमें उसकी फिक्र है, कांटा हो रहा है एक जो भाई, मतलब कहाँ पे ओके क्या हुआ, कुछ नहीं उधर है, इधर गोबर के पास क्या ढूंढ रहा है, मतलब मूवी गोबर की तरह करके भैया। जगह आ गई जो दिखाई है आपको भाई, जलगांव एयरपोर्ट के पास से भाई बाइक पर आगे तो जा रहा है, चल ठीक है भाई, बाइक से आना नहीं है, उसे बाहर ही जाना था, यहाँ पे ना बाइक को भी जगह नहीं दे पाता है, भैया बाहर निकाल लो, भैया निकाल लो, निकालते नहीं यार, एंड टाइम में निकालनी पड़ती है यहाँ पे आके, पहले निकाल लो यार, हमें ब्रेक ना देनी पड़े। ओके भाई बिल्टी वगैरह ले ली, थोड़ा सा डिले हो गए थे, एक भाई ने हेल्प की, भाई कहाँ के आप कहाँ रहते हो, हमीरपुर गए हूँ हिमाचल, तो हितेश भाई आए भाई, भाई से हम मिले थे लास्ट टाइम लखनऊ में, आपका बेटा है नहीं भांजा है, भांजा हेलो घूम रहे हो तो अभी बस हाथ धोएंगे निकलेंगे, मेला घुमाने वाला आया हूं। अच्छा मेला चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई का माल चंडीगढ़ का, तो दोनों का साथ हो जाएगा तो निकल जाएंगे आगे। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को करेंगे यहाँ पे एंड, तो आज बनाएंगे नाइट ब्लॉग, क्योंकि कार में चलना है हमें पूरी रात, और एक गाड़ी का साथ बन गया, अभी आगे और भी गाड़ियों का साथ जुड़ जाएगा, ऐसे गाड़ियाँ सब केरल भर के जा रही हैं, जो गाड़ी जम्मू या श्रीनगर जाएगी अपने साथ ही, जो पंजाब भी जाएगी अपने साथ ही जाएगी,